अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह जी, ये है जद्दा में सूख सवारीख, जो इंटरनेशनल के नाम से जानी जाती है। माशाल्लाह बहुत ही बड़ी दुकानें हैं यहाँ पर। दुकानों के जो मालिक हैं अक्सर औकात बर्मा के हैं और इधर काम करते हैं यमन वाले। माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे सोफे रखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त दुकानें हैं यहाँ पे। ये सूक सवारी का एक हिस्सा है, इस सूक का नाम है सूक मदीना। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं सोफे यहाँ पे, और ये यमनी काम करते हैं यहाँ पे। ये भाई हम यहाँ अभी बुला रहा है, पता नहीं क्या पूछेगा, तो देखते हैं भाई क्या बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, केवल हाल तैयब हैदराबाद यूट्यूब। हेलो, इस भाई से पूछते हैं क्या बोलता है। सलाम, देखेंगे काम होगा सर। طيب يلا تمام تعال انا ادم فيه كمان فواتير شوف اذا هو جاهز تحمله وتوديه للزباين. اس طرح کا یہاں پہ کام ہوتا ہے ماشاءاللہ. هذا فيديو فيديو هذا بعدين يوتيوب انا حقي يوتيوب چینل ايش عندك؟ تروح مكة؟ روح بكره الساعة 1 الصبح الظهر تروح مستودعات حمل. ما في مشكلة، جيب من بنزلون عشان نسوي اتفاق. بس هو قال لي من اليوم حمد. لا لا ما في مشكلة. هذا يوتيوب باكستان نفر، شوف ما يشوف هنا. كلمني ايش؟ اليوم حمد، اليوم لسه فيصل كلمني لسه باقي شوية. ما في جاهز؟ ايوه باقي جاهز، هو كلمني بكرة الظهر. يجي الساعة 1 حمل مستودع. ايوه. انت كلم زبون، انا دحين هذا ابو باسل كلمنا، بس انا ما اقدر دحين هذا خط شميسي مشكله تفتيش، لازم انا احمل بكره بعد الظهر، قول له انا في مشوار دحين بعد رابك، لازم كذا. مو رابك، انا اليوم في مشوار كمان مكه، اليوم ماني فاضي كمان. أيوه. كلام سيده، في مشوار. أيوه. انا في مشوار اليوم مكه، ما يكلم دحين عشان كذا هو يكلم. انا تعال ما هو مشكلة، أنت بس جيب نمبر، أنا ممكن اتصل الساعة 11 كده إن شاء الله. تمام، أنت كلمني بكرة إن شاء الله الساعة 1 أنا أحمل، بس لازم الساعة 1 كلام مظبوط ما في. أنا الساعة 1 هناك إن شاء الله بإذن الله. شوف اتفق معاه حق مشوار مستودع، أنت ما يكلم مستودع، أنت كلمني. ما في مشكلة، حق مستودع أنت يأتي. أنت يأتي مع سوى الزبون. ما يقدر كلام صادق والله. كلم انا والله ما يقدر، قول له هو ابو باسل كلمنا، بس انا والله في مشوار. قول لك انا في نفر ثاني، قول له ما يطلع مكه، لازم هذا رسمي، حق مكه لازم يطلع نفر رسمي، ما في كفيل حقه لا مكه. ايوه انت عارف كلامي. يا 5 بيس کا صوفے ہیں یہ ما شاء الله. یہ 1 2 3 4 اور یہ 5، ये 5 पीस हैं। कम से कम पाकिस्तान के हिसाब से इसकी प्राइस होगी तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब। माशाल्लाह ये माल की भी बनाए हुए हैं, जैसे बड़े बड़े लोग रखते हैं घरों में। तो ये सूक सवारी के VVIP महल के अंदर मैं खड़ा हूँ इस टाइम, इसके अंदर VVIP माशाल्लाह माल बनता है। और ये बाहर माल जो रखा हुआ है ये सब कस्टमर का है, तो जब वो कस्टमर आएंगे तो ये गाड़ी में लोड करेंगे। अभी जो इस भाई यमनी से बात हो रही थी हमारी, ये यमनी से बात हो रही थी कि वो बोल रहा है एक काम है मक्का में, कुछ सामान लेके जाना है, तो उसके लिए वो बोल रहा था। वो कस्टमर का नंबर ले लिया हमने, तो देखेंगे इंशाल्लाह उससे इत्तेफाक करेंगे, शायद अल्लाह खैर करें। सब आदमी खड़े हैं रोज़ी के इंतज़ार में, कोई आए फंसे कोई ले, तो अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ पे लोकल काम भी है, यहाँ पे बाहर जैसे बस्ते वगैरह का काम हो गया। यार ये गाड़ी का रिव्यू देना चाहता था मैं, बहुत ही मज़े की गाड़ी है ये। कैमरी जो सऊदीया में है, ये हमारे मोटा भाई बैठे हैं,
ये भी बड़े अच्छे, हाथ हिला दो यार, आप यूट्यूब में आने वाले हो अभी। ये अफगानी भाई थे, जान पहचान वाले, अच्छे आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मार्केट में हमारे पाकिस्तानी भाई काम करते हैं, ये वाली मार्केट, ये लोकल काम है। ये इधर पे रिजवान भाई काम कर रहे हैं, ये हमारे भाइयों की तरह है माशाल्लाह। हाथ हिला दो भाई, आप अभी YouTube में होगे इंशाल्लाह। इधर आरिफ भाई भी हैं, लोडिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह देगा, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। ये वीडियो बड़े ना होते हैं, ये खूबसूरत झूले, इस जगह का नाम है सूक सवारीख, सूक रहमानिया, जिद्दा में। तो इधर ये हमारे आलम भाई भी बैठे हैं, हाथ हिला दो भाई आप। अबू अहमद वो जो काम उधर अंदर दिखाया था आप भाइयों को, वो और ये इसमें बहुत डिफिकल्ट है। उसके हिसाब से वो तगम का हिसाब तकरीबन 1.5 लाख के करीब, और इसका तकरीबन 70-80 हज़ार के करीब। ये हमारा हमादा मिसर, मिसर से वो उधर नूर भाई भी खड़े हैं, नूर बरमावी। इसको कैमरा को थोड़ा जूम करेंगे, नूर भाई के ऊपर सफाई का काम कर रहे हैं। भाई हाथ हिला दो, हाथ हिला दो, क्या कर रहे हैं भाई? यूट्यूब में आओगे यार आप तो छा गए हो एकदम। हाथ हिला दो यार, चैनल तो बस कर रहे हैं। तो आज का यही व्लॉग था छोटा सा इंशाल्लाह। तो आज के व्लॉग के साथ ख़त्म होते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।